तो दोस्तों अगर आप Realme का मोबाइल यूज कर रहे हैं और Realme के मोबाइल में जो वोल्टी वाला ऑप्शन है आपको सेटिंग में देखने को नहीं मिल रहा है, सिम कार्ड में जाते हैं तो वहां पे वोल्टी वाला ऑप्शन अगर शो नहीं हो रहा है तो उस ऑप्शन को कैसे इनेबल कीजिएगा वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। नेटवर्क में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ऊपर में वोल्टी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो उस ऑप्शन को भी दोस्तों आप वहां पर ला सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और वोल्टी वाले ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में आप वहां पे वोल्टी वाले ऑप्शन को इनेबल कर पाए। मैं यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाता हूँ, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने बाद मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ, तो मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको वोल्टी वाला ऑप्शन कहीं पे भी शो नहीं होगा, या जो भी आप सिम लगा के रखे हुए इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग वाला ऑप्शन तो मिल जाता है पर वोल्टी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर में भी आपको कहीं पे भी वोल्टी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद नीचे जाइएगा तो एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टेटस बार वाले ऑप्शन में जाना है और स्टेटस बार वाले ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा वोल्टी का जिसमें लिखा हुआ HD वॉइस। अब दोस्तों इस ऑप्शन को आपको यहाँ से ऑन कर लेना और जैसे ऑन कीजिएगा तो ऑन करने बाद देख सकते हैं ऊपर में आपको वोल्टी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये वोल्टी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ से बैक हो जाते हैं और बैक होने के बाद अगर आप यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाने के बाद अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टी वाला ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होगा, पर आपको यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन शो हो जाता है पर वोल्टी वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, पर वोल्टी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे कनेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे BSNL का सिम यूज करते हैं, BSNL के सिम को अगर आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वोल्टी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BSNL का सिम आपको लगा के दिखा देता हूँ कि उसमें वोल्टी वाला ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे अपना BSNL का सिम और साथ में जियो का सिम यहाँ पे लगा लिया है और लगाने के बाद दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाऊँगा देन उसके बाद मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ तो पहला जो सिम नंबर है उसमें दोस्तों मैंने BSNL का सिम लगा के रखा हुआ है और इस ऑप्शन पर दोस्तों जैसे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको वोल्टी कॉल वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाएगा, वाईफाई कॉल का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और ये BSNL का सिम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर सिम टू वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको वोल्टी वाला ऑप्शन शो नहीं होगा क्योंकि दोस्तों जो मेरा जियो का सिम है इस जियो को सिम को मैंने दोस्तों यहाँ पे 5G में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए 5G अगर आपका सिम रहेगा तो उसमें वोल्टी का ऑप्शन शो नहीं होगा और जो आपका यहाँ पे 4G सिम रहेगा उसमें आपको वोल्टी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों वोल्टी वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं और 5G सिम यूज कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद ऊपर में आपको वोल्टी वाला ऑप्शन कनेक्ट देखने को मिल जाएगा जिससे आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।